1812 में आज के दिन नेपोलियन के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना रूस के क्रेमलिन पहुंची। 1846 में आज के दिन जंग बहादुर राणा नेपाल की सत्ता पर काबिज हुए। 1861 में आज के दिन भारत के महान इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ। उन्हें वर्ष 1955 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया। भारत में उनका जन्मदिन अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन 1876 में भारतीय उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ। 1890 में आज के दिन हरक्यूल पॉयरोट, मिस कार्पल और पार्क पाइन जैसे जासूसी किरदारों में जान डालने वाली अगाथा क्रिस्टी का जन्म हुआ था। 1894 में आज के दिन प्योंगयांग की लड़ाई में जापान ने चीन को करारी मात दी। 1909 में आज के दिन तमिलनाडु के कद्दावर नेता सीएन अन्नादुरई का जन्म हुआ। 1916 में आज के दिन प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार सोमे की लड़ाई में टैंक का इस्तेमाल किया गया। 1927 में आज के दिन प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म हुआ था। 1983 में उन्हें कविता संग्रह है खुंटियों पर टंगे लोग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। 1948 में आज के दिन स्वतंत्र भारत का पहला ध्वज पोत INS दिल्ली मुंबई के बंदरगाह पर पहुंचा। 1959 में आज के दिन भारत की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा दूरदर्शन की शुरुआत हुई। 1971 में आज के दिन दुनिया को हरा भरा एवं शांतिपूर्ण बनाने के संकल्प के साथ ग्रीन पीस की स्थापना हुई। 1981 में आज के दिन वानुआतू संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। 1982 में आज के दिन लेबनान के निर्वाचित राष्ट्रपति बशीर गेमायेल की पदासीन होने से पहले ही बम विस्फोट में हत्या हो गई। साल 2001 में आज के दिन अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रपति को अफगानिस्तान में सैन्य कार्रवाई की मंजूरी दी थी।